हेलो प्यारे बच्चों, आज करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की मैथमेटिक्स की वर्कशीट। वर्कशीट नंबर है 95 और 23 तारीख की वर्कशीट है। यहाँ अपना नाम और यहाँ अपने अध्यापक का नाम। क्लास 5th की वर्कशीट है। वर्कशीट की हेडिंग है अब्बा की मदद। जरीन ने आज अब्बा की मदद करने का मन बनाया है। अब्बा को आज बहुत काम है। कुछ पैसे खाते में जमा करवाने के लिए उन्हें बैंक जाना है। पोस्ट ऑफिस जाकर दादी को पैसे भी भिजवाने हैं। कुछ खरीदारी करने के लिए बड़े बाजार जाना है। उन्हें अपने दोस्त के भी कुछ पैसे वापस लौटाने जाना है। उन्होंने जरीन को एक कागज़ पकड़ाया और कहा, जल्दी से पैसों को अलग-अलग करके रख दो, जिससे मुझे आसानी हो जाए। जरीन को यह काम बहुत मज़ेदार लगा। आप भी जरीन के साथ यह काम करें। तो चलिए करते हैं। अब्बा का कागज़, यहाँ अब्बा ने कहाँ कहाँ जाना है लिखा हुआ है और कितने रुपए जमा करवाने हैं। ठीक है, जरीन द्वारा अलग अलग किए नोट। अब यहाँ जरीन ने क्या किया है, अलग अलग करा है नोट। आपने क्या करना है, आयत रेक्टेंगल शेप बनाना है और उसके अंदर रुपए लिखने हैं। ठीक है, और यहाँ टोटल रुपए इन नंबर्स। ठीक है, जैसे बैंक में उसने जमा कराए 10,000 रुपये, तो उसे हो गया 10,000 रुपीज़। अब 10,000 रुपीज़ कैसे दिया जरीन ने, 2 का 1, 2,000 के एक नोट, 2,000 का एक नोट, 2,000 का एक, 2,000 का एक और 2,000 का एक, तो 2,000 के टोटल 5 नोट। तो 2,000 के जब उसने 2,000 के उसने 5 नोट दिए तो टोटल हो गए 10,000। 5 2 10 और उसमें 3 0, तो 10,000 रुपये दिए। इसी प्रकार से अगला है, तो आप बाजार में कितने खर्चे, 9,425 रुपये। तो सोचो कैसे दिया होगा, 2,000 का एक नोट, ठीक है, 2,000 का एक नोट, फिर 2,000 का एक नोट, कितने हो गए, 4, हमें चाहिए 9, फिर 2,000 का एक नोट, 2 2 4 5 6, फिर 7 8, 2 2 4 5 6 7 8। अब 9 के चाहिए, तो आजकल तो 1,000 का नोट आता नहीं है, तो हमने ले लिया कि 500 के दो नोट। 500 के दो नोट कितने बना देंगे, 1,000। तो 500 के दो नोट ले लिए उसने, ठीक है, 500 के दो नोट, तो 2 2 4 5 6 7 8, 5 और 5 10, तो ये 1 हो गया, 9 हो गए, 9,000 के बाद 25, 425। अब 400 बनाना है, तो 400 के लिए हम क्या कर सकते हैं, 200 का एक नोट और 200 का एक नोट, ये हो गया 400। और अब बनाना है 50, तो एक नोट ले लिया 50 का। ठीक है, तो 2 2 4 5 6 7 8 9, और ये हो गया 4, और ये 50, तो 9,450 रुपये। अब यहाँ पे लिखना भी है ब्रैकेट में, तो कैसे लिखेंगे, पहले सिंबल बनाएंगे। बच्चों मैं ये हटा देती हूँ, क्योंकि फिर इससे आपका काम, आपको साफ दिखना चाहिए। तो रुकिए 1 मिनट के लिए, इसको मिटा के हाँ फिर लिखती हूँ। तो कैसे लिखेंगे, 9,450 रुपये। वैसे ही अगला है, दोस्त को कितने दिए, 3,050 रुपये। तो 3,000 कैसे करेंगे, 2,000 के उसने एक नोट ले लिया 2,000 का, और 500 500 के दो, तो हो गया 3,000, 500 का एक, 500 का एक, तो ये हो गया 3,000। अब हमें कितने और चाहिए, 50 रुपये, तो एक नोट ले लिया 50 का। ठीक है, ये हो गया। अब इसे हटा देती हूँ, क्योंकि अब लिखेंगे इसे नंबर्स में कि 3,500 लिखते कैसे हैं, सॉरी 50। ये हो गया आपका 50, यहाँ आ गया 3 और यहाँ आएगा 0, ये हो गया 3,550 रुपये। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये मैम मैम ने 0 क्यों लिख दिया बीच में, क्योंकि बच्चों अगर मैं 3 5 और 0 लिखती हूँ तो ये 350 हो जाएगा,
लेकिन 3,050 रुपये की बात की है, तो ये हो गया वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 3,000, 3,000, 50 रुपीज़। ठीक है, अगला कर लेते हैं। अब अगला करते हैं थर्ड वाला। थर्ड वाले में दिया है कि 5,600 रुपीज़। दादी को कितने भिजवाने हैं? 5,600 रुपीज़। तो 5,000 आप कैसे बना सकते हैं? 2,000 का एक नोट ले लीजिए, 2,000 का एक नोट ले लीजिए, ये हो गया 4,000। अब 5 बनाना है तो 500 का एक, 500 का एक, कितने हो गए? 5,000, 600 रुपीज़। तो 600 आप कैसे बना सकते हैं? 200 के ले लीजिए, 200 का एक, 200 का एक और ले लिया, 400, और हमें चाहिए 600, तो 200 का एक और। तो ये हो गए 5,600 रुपये। ठीक है, अब इसे लिख लेते हैं। चलिए, अब लिखने की बारी है, तो इसे हटा के लिख देती हूँ। ये रहा 5,600 रुपये, तो 5,600 रुपये। ठीक है, इसके ऊपर साइन लगाना ना भूलें। लास्ट में है अन्य काम। बाकी कामों में जो उनका खर्चा हुआ वो था 4,571 रुपीज़। तो आप सोचो क्या किया होगा। तो 4,000 सोचो उसने कैसे दिए होंगे, 2,000, 2,000 का एक और 2,000 का एक, ये हो गए 4,000। ठीक है, उसके बाद 500, तो 500 का तो बहुत आसान हो गया, एक 500 का नोट बना दिया, 2,571। अब आप सोचिए 71 कैसे दिए होंगे, 70 कैसे दिया होगा, एक 50 का नोट दिया होगा, एक 20 का नोट दिया होगा, 50 और 20 क्या हो गए, 70। अब 1 का नोट तो आता नहीं है, तो 1 का दिया होगा कॉइन। ठीक है, तो ये हो गया 4,571, 71 रुपये। ठीक है, इसे लिखेंगे कैसे देख लेते हैं। इसे यहाँ पे लिख लेती हूँ, रुपीस 4,571 रुपीस। ठीक है बच्चों, अगला है, क्या आप नोटबंदी के बारे में जानते हैं? अपनी टीचर या मम्मी पापा की मदद से पता लगाएं कि कौन से नोट बंद हुए थे और कौन कौन से नोट नए आए थे। तो आपने मम्मी पापा से पूछना है कि ये नोटबंदी क्या है, ठीक है, और उस समय ऐसा क्या हुआ था कि नोट बदले थे और नए नोट आए थे। इसके बारे में मम्मी पापा से बेहतर जानकारी कोई भी नहीं दे पाएगा, क्योंकि उस समय मम्मी पापा हर एक व्यक्ति ने बहुत इसकी वजह से सफ़र किया था। ठीक है, उन्हें बहुत कुछ मुश्किलें पड़ी थी। लेकिन अब मैं आपको क्यों नहीं इसका उत्तर बता रही हूँ, क्योंकि मम्मी पापा से इस बहाने आप बात करेंगे कुछ देर तक और उनसे कुछ सीख पाएंगे, और मम्मी पापा भी आपको कुछ नया बता पाएंगे, उन्हें भी अच्छा लगेगा। तो मम्मी पापा से पूछेंगे ज़रूर कि क्या है ये नोटबंदी, और वो आपको पूरे विस्तार से एक्सप्लेन करेंगे, समझाएंगे। ठीक है, और ये मत भूलिएगा कि मम्मी पापा कौन से नोट बंद हुए थे और कौन से नए आए। ठीक है बच्चों, यह आपने पूछना है। उसके बाद है अभिभावकों के लिए सुझाव, बच्चों को खुले छुट्टे पैसों सिक्कों को अपनी गुल्लक में इकट्ठा करने के लिए प्रेरित करें। तो जो भी आपको खुले पैसे 1-2 रुपए दिखते हैं, आपको उसे गुल्लक में डालना चाहिए। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर मैसेज, टू स्टे सेफ इन द फाइट अगेंस्ट COVID-19, वियर अ मास्क। तो बच्चों, मास्क पहनना ना भूलें अगर कोविड से बचना है, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कर लीजिए, अगली वर्कशीट मिस नहीं होनी चाहिए। बाय बच्चों।